नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनील कुमार बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, ट्रस्ट के पीछे रीज़न ये है कि जिन जगहों पे जाके हमने लोगों को मदद की, पहले मैं भी वैसे ही एक स्लम में रहता था। एक्चुअली मैं 30 साल तक ऐसे स्लम में रहा हूँ। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि हम पहले क्या करते हैं कि जिस स्लम में मैं रहता था, मैंने सोचा कि पहले उन लोगों को मदद की जाए, 100 लोगों को। और बाद में जब मुझे लगा कि ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, तो हम लोगों ने, सारे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान किया कि क्यों ना हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, एक एनजीओ बना लें, और सब थोड़ा थोड़ा मिलकर लोगों को मदद करें। तो इस तरह मेरे कुछ दोस्त लोग साथ में आए और हम लोगों ने दक्ष नागरिक फाउंडेशन बनाया। दक्ष नाम का मतलब होता है एक कुशल कुशल नागरिक, कुशल आदमी जो अपने इरादों में मजबूत हो और उसको करने के लिए सक्षम हो। अब हम लोगों ने इसके संस्था के थ्रू हम लोगों ने अभी तक 2,000 फैमिलीज़ को 1 महीने का राशन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इसके आगे एज ए एडवोकेट मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। रीज़न क्या है कि ऐसी एक एनजीओ थी 1995-97 में जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती थी, उसमें से मैं भी एक था जिसको मुझे उस एनजीओ ने अडॉप्ट किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अगर एक एनजीओ मुझे एडवोकेट बना सकती है, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है समाज के लिए, जो मुझे उसे करना चाहिए। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सबको ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। लोग भूखे, कोरोना से कम परेशान हैं और भूख से ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन बेसिक हमारा जो पर्पज़ है वो है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएं। वो बच्चे जो पैसे ना होने के वजह से, किताबें ना होने के वजह से आज चाइल्ड लेबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, हम उसको हेल्प करें। और दूसरा जो हमारा पर्पज़ है वो है फ्री लीगल एड दें। आज मैं एडवोकेट हूँ, आज मुझे भी किसी एनजीओ ने पढ़ाया है, आज मेरी कुमार एन एसोसिएट्स के नाम से एक लॉ फर्म चलती है जिसमें 40 से 50 इन हाउस एडवोकेट हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि कुछ लोग आज ऐसे हैं जो सही हैं, निर्दोष हैं, लेकिन उनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं और वो वकीलों की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, कोर्ट नहीं जा पाते हैं, उनसे इतने पैसे मांगे जाते हैं कि वो बेचारे जेलों में हैं या केस में लड़ रहे हैं और परेशान हैं, उनकी आर्थिक नुकसान हो रहा है, संपत्ति चली जा रही है। तो इसके लिए हमने एक लाया है कि हम इस एनजीओ के थ्रू लोगों को फ्री एड देंगे, लीगल लीगल जो सर्विस है वो फ्री देंगे। और उसके लिए हमारा एक छोटा सा मेंबरशिप होगा। अगर उसमें हमारा वो आदमी हमसे जुड़ता है, तो 1 साल के लिए उस आदमी को उस बायलॉज के हिसाब से, हमारे नियम के हिसाब से, जो भी शर्तें हैं, जो भी सहूलियतें हैं, वो सब उसको 1 साल तक उसी मेंबरशिप में मिलेगी। इससे हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लीगल इनजस्टिस हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अफोर्डिंग द कॉम्पिटेंट एडवोकेट्स, हम उन कॉम्पिटेंट एडवोकेट्स को एक कॉमन पर्सन तक रीच कराना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है।